Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at home. Students, today we will start the revision. First of all, we will do the revision of our first chapter, White Mice. So come to the class. Students, shall we start the revision of our chapter, White Mice? Okay students, story is narrated by a little boy. This story is narrated by a little boy. He was to return to his parents after his summer vacation. जो summer vacation के बाद अपने घर आ रहा था और उसके जो uncle हैं who comes to the station to see him off, जो उसे see off करने आते हैं, उसे wrong station, wrong train पे बिठा देते हैं. When the boy realizes the mistake his uncle made, he gets down at Lucknow and sends a telegram to his grandfather. जब boy को realize होता है कि वो गलत train पे बैठ गया है, तो वो क्या करता है, वो Lucknow के station पे उतर जाता है और अपने ग्रैंडफादर को एक टेलीग्राम भेज देता है. द काइंड स्टेशन मास्टर मिस्टर घोष कीप्स द बॉय सेफ टिल हिज ग्रैंडफादर रीच्स लखनऊ एंड इनवाइट्स हिम टू हिज हाउस. जो काइंड स्टेशन मास्टर था मिस्टर घोष, वो क्या करता है, वो जब तक उसे ग्रैंडफादर सेफली लखनऊ नहीं पहुंच जाते, तब तक उसे अपने घर ले जाता है बॉय को. मिस्टर घोष हाउस वॉज जस्ट बिहाइंड द स्टेशन. मिस्टर घोष का घर कहाँ था, स्टेशन के बिल्कुल पीछे. ही ब्रॉट मी अ कप ऑफ स्वीट मिल्की ट्री एंड टू लार्ज रसगुल्लास. उन्होंने क्या दिया मुझे, एक चाय का कप और दो बड़े बड़े रसगुल्लास. पानी तो नहीं आ गया आपके मुंह में ना. लेट मी शो यू माई फैमिली ही साड. उन्होंने कहा कि आओ मैं तुम्हें अपनी फैमिली दिखाता हूँ. एंड ही टुक मी टू द हैंड एंड लेट मी टू द वरांदा एट द बैक ऑफ द हाउस. अपने घर के पीछे वरांदा में मुझे ले गए. देयर वॉज अ मिनीचर रेलवे. वहाँ पर एक रेलवे का मॉडल बना हुआ था. यू कैन सी दिस बेटा. We have already done this chapter, so it's not a new for you. With a station, railway, bungalows, signal house, and next to it a miniature fairground complete with swings, a roundabout, and a ferris wheel. 15 to 20 white mice were dancing on the roundabout and the ferris wheel. Another dozens or so run in and out of tunnels and climb up on a toy train. Mr. Ghosh pressed a button and the little train, crowded with white mice, left the station and went rattling off to the far corner of the veranda. बेटा ये एक मॉडल है. किसका मॉडल है, रेलवे स्टेशन का. उस पर क्या बना हुआ है, स्टेशन है, रेलवे बंगलोज हैं, सिग्नल हाउस है और फेयर ग्राउंड है जहाँ स्विंग्स बने हुए हैं. यू कैन सी, आपने देखे होंगे ना, जो फेयर्स, जब फेयर लगता है तो उस पर जो व्हील्स होते हैं जैसे किस तरह के, जो घूमने वाले होते हैं वो थे. और वहाँ बहुत सारे माइस थे, 15 to 20, वो घूम रहे होते हैं. लेकिन जैसे ही मिस्टर घोष बटन क्लिक करते हैं, वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल वरांदा के कॉर्नर में चले जाते हैं, जो जितने भी माइस होते हैं. इट वॉज ऑल्सो इम्प्रेसिव. ये बहुत ही इम्प्रेसिव था. बाई द टाइम ग्रैंडफादर अराइव्ड, आई हैड फेड बिस्किट्स टू द माइस एंड फॉलन अस्लीप इन अ ह्यूज आर्मचेयर इन मिस्टर घोष लिविंग रूम. जब ग्रैंडफादर आए तो मैं क्या कर रहा था, मैं माइस को बिस्किट खिला रहा था और मिस्टर घोष के लिविंग रूम में आराम से आर्मचेयर पर बैठा था. I walk up to the find the station master busy showing grandfather his little railway colony of white mice. मैं स्टेशन मास्टर को देखने के लिए गया तो स्टेशन मास्टर कहाँ थे, वो ग्रैंडफादर के साथ बिजी थे, उन्हें अपनी कलोनी दिखा रहे थे, ग्रुप ऑफ माइस. ग्रैंडफादर वॉज इंटरेस्टेड इन द टॉय ट्रेन. ग्रैंडफादर भी बहुत इंटरेस्टेड थे टॉय ट्रेन में. बट ही सैड पोलाइट थिंग्स अबाउट द माइस. लेकिन उन्होंने माइस के बारे में बहुत ही पोलाइट थिंग्स बोली, उनकी पिंक साइज की प्रेजिंग करी और उनकी प्रिटी जो थी और ग्रेसफुल फिट थे उनकी प्रेजिंग करी. मिस्टर घोष बीम्ड विद प्लेजर एंड सेंट आउट फॉर मोर रसगुल्लास. मिस्टर घोष क्या थे, वो बहुत ही खुश हो गए प्रेस सुन के और उन्हें कुछ रसगुल्लास और भेजे. व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई हैड सेटल्ड इनटू द कंपार्टमेंट ऑफ अ ट्रेन लेट दैट नाइट मिस्टर घोष केम टू द विंडो टू से गुड बाय. जब मैं और मेरे ग्रैंडफादर ट्रेन पे जा रहे थे तो कंपार्टमेंट में मिस्टर घोष हमें सी ऑफ करने आए, हमें बाय बाय कहने आए. As the train began moving, जैसे ट्रेन चलनी स्टार्ट हुई, he thrust a cardboard box into my hands. उन्होंने suddenly एक कार्डबोर्ड का जो बॉक्स था मेरे हाथ में दिया और कहा, a present for you and your grandfather. ये प्रेजेंट तुम्हारे और तुम्हारे grandfather के लिए है. More रसगुल्लाज आई थॉट, मैंने सोचा रसगुल्लाज होंगे. Later when the train was underway and I lifted the lid of the box, लेकिन जैसे ही ट्रेन चलनी स्टार्ट हुई और मैंने आई लिफ्टिड द लिड ऑफ द बॉक्स. लिड मीन्स टॉप पार्ट ऑफ द बॉक्स. मैंने बॉक्स का जो टॉप पार्ट था उसे पकड़ा एंड आई फाउंड टू वाइट माइस अस्लीप ऑन अ बेड ऑफ अ कॉटन वूल.
तो कॉटन वूल के ऊपर, कॉटन वूल का जो बेड था उस पर क्या थे, टू माइस स्लीप कर रहे थे। बैक इन देहरा आई कैप्ट द वाइट माइस इन देयर बॉक्स। जैसे ही देहरा से वापस आए मैंने उनको वाइट माइस को बॉक्स में डाल दिया। एंड आई हैड प्लान्स फॉर देम, और मैंने उनके लिए कुछ प्लानिंग करी। अब देखते हैं कि क्या नोटी प्लानिंग थी। आफ्टर डिनर आई स्लीप्ड इनटू माय अंकल्स रूम। डिनर के बाद मैं मेरे अंकल के रूम में गया एंड रिलीज द माइस अंडर हिज बेडशीट, और उनकी बेडशीट में उनको फ्री कर दिया, किनको, माइस को। एंड आवर लेटर वी ऑल हैड टू लीप आउट ऑफ आवर बेड्स व्हेन अंकल कैन डैश्ड आउट ऑफ हिज रूम। जैसे हम सब सो गए अंकल कैन अपने भागे भागे अपने रूम से आए, स्क्रीमिंग दैट समथिंग सॉफ्ट एंड फरी वॉज रनिंग अबाउट इन साइड हिज क्लोथ्स। और उन्होंने चीखते हुए कहा कि कुछ सॉफ्ट सा और फरी सा उनके कपड़ों में नाच रहा है। वेल ऑफ विद द क्लॉथ सैड ग्रैंडफादर गिविंग मी अ विक। जैसे उन्होंने कपड़े अपने उतारने शुरू करे, हिलाने शुरू करे, तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, मुझे एक शरारती सी, जैसे आँखों से, जब आप आँखों से क्विकली ब्लिंकिंग करी, जैसे हम किसी को सीक्रेट करते हैं ना वैसे, यार अ गुड आइडिया ऑफ व्हाट हैड हैपेंड। उनके तो सारा आइडिया था कि वो जो सब कुछ हो रहा था। आफ्टर अंकल कैन हैड डन अ टैप डांस, जैसे ही अंकल ने क्या करा, डांस स्टार्ट कर दिया, टैबिंग। वन माइट माउस फाइनली केम आउट ऑफ फ्रॉम द क्लोथ्स, उनके क्लोथ से बाहर आ गया एक माइस तो, बट द अदर हैड रन अप द स्लीव्स ऑफ हिज पजामा कोट, लेकिन दूसरा तो उनकी पजामा कोट में घूम रहा था। एंड सडनली पॉप्ड आउट बीनीथ हिज चिन, उनके चिन से अचानक गिर गया। अंकल कैन स्टार्टेड टू पैनिक, अंकल कैन तो परेशान हो गए। कन्विंस दैट हिज रूम वॉज फुल ऑफ माइस, और उनको श्योर थे कि उनका जो कमरा है ना माइस से भरा पड़ा है, पिंक, वाइट, ब्राउन। ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन अ स्टोर रूम एंड स्लैप्ड ऑन एन ओल्ड सोफा, उन्होंने अपने आप को स्टोर रूम में लॉक कर लिया और ओल्ड सोफा पे सो गए। नेक्स्ट डे ग्रैंडफादर टुक मी टू द स्टेशन, ग्रैंडफादर मुझे स्टेशन ले गए एंड पुट मी ऑन द ट्रेन टू दिल्ली, और दिल्ली की ट्रेन पर बिठा दिया। इट वॉज द राइट ट्रेन दिस टाइम, इस टाइम ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम पर थी। आई विल लुक आफ्टर द वाइट माइस ही सैड, उन्होंने कहा कि मैं वाइट माइस का ध्यान रखूंगा। ग्रैंडफादर ग्रू क्वाइट फाउंड ऑफ द माइस, जो ग्रैंडफादर ने उन्हें माइस का बहुत शौक था। इवन रॉट टू मिस्टर घोष, उन्होंने मिस्टर घोष को ये भी लिखा आस्किंग इफ ही कुड स्पेयर अनदर पेयर, यदि उनके पास अनदर स्पेयर है। बट मिस्टर घोष ही लर्न लेटर हैड बीन ट्रांसफर टू अनदर पार्ट ऑफ द कंट्री, लेकिन मिस्टर घोष तो ट्रांसफर हो गया था दूसरी कंट्री में। एंड हैड टेकन हिज फैमिली ऑफ वाइट माइस विद हिम, और वो अपनी वाइट माइस की जो फैमिली थी वो अपने साथ ले गए थे। इट्स सो इंटरेस्टिंग ना, अंकल कैन के साथ क्या हुआ, सो इंटरेस्टिंग, और जो उसका मॉडल था वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये चैप्टर में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपको इसको अच्छे से दोबारा रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।